नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं डिजिटल धारा। कि मैंने 9 करोड़ रुपए देकर, घूस देकर, चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास ये आदमी आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और कल ये जजमेंट आ जाएगा, आप देखिएगा। और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए, इतने सारे जजमेंट अडानी के फेवर में, तो उन्होंने कम से कम 40,000 करोड़ रुपया अडानी को प्राप्त करवाया, कम से कम 6 जजमेंट्स दिए अडानी के फेवर में, उनको रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया। तीसरा कारण बहुत खतरनाक कारण है, बहुत खतरनाक। इन्होंने सारी एजेंसीज को लगाकर सब जजेस के ऊपर डोसियर बना रखे हैं, पूरे जजेस के, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोगों से छानबीन कराते हैं। और अगर किसी जज या उसके किसी नजदीकी रिश्तेदार के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे उसकी कोई कमजोर नब्ज को पकड़ा जा सके, तो उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं, कह देते हैं कि देखिए हमारे पास ये है, अब आप सोच लीजिए। दूसरा कानून सरकार ने पेश किया है कि चीफ जस्टिस को हटाकर एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक उनका मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लॉ मिनिस्टर 4 सेक्रेटरीज के नाम अपने हैट से निकालता है, जैसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में होता है ना, 4 सेक्रेटरीज के नाम उसने निकाले। वॉलंटरी रिटायरमेंट में 3 महीने का नोटिस लाजमी होता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल धारा।